मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो गुटों के बीच में हुए विवाद के दौरान रास्ते पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। करीब 7 से 8 दो पहिया गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा 5 से 6 4 पहिया गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। किसी के हाथ में हथियार तो किसी के हाथ में डंडा था। सीसीटीवी कैमरे में ये गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाली भीड़ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच में यहाँ पर विवाद हुआ था और विवाद के बाद इलाके में रोड के किनारे पार्क की गई गाड़ियों में इन लोगों ने तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ की घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। लोगों ने किसी तरह से इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। दरअसल ये पूरी वारदात नासिक की है। भद्रकाली पुलिस ने 3 से 4 संदिग्ध को गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के मामले में हिरासत में भी लिया है। हालांकि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, एक बड़ी भीड़ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है जो रोड पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही है। बड़ी गाड़ी में जो ज़्यादा डेली वो गाड़ी का